कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग मंगल फोन इन स्क्रिप्ट पर कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मंगल इन स्क्रिप्ट फोन ये सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल रहता है, सिर्फ आपको इनेबल करना होता है। मतलब कृति देव फॉन्ट की तरह इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल नहीं करना होता। और आज का जो क्लास हम लोग सीखने वाले हैं इन स्क्रिप्ट प्लस इंग्लिश टाइपिंग भी, क्योंकि इन स्क्रिप्ट पर अगर आपको टाइपिंग करना होता है तो जैसे इंग्लिश टाइपिंग पर आप फिंगर अरेंज करते हैं, फिंगर जैसे रखते हैं, सेम उसी तरह मंगल इन स्क्रिप्ट पर भी आपको फिंगर रखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर यूज होता है, जिसमें आप लोगों को पता होगा ये आपका लिटिल, रिंग, मिडिल और इंडेक्स फिंगर, जिसमें थंब का यूज हम किसी भी लेटर पर नहीं करते। और राइट साइड से भी फिर वही बात है, आपका चार फिंगर लिटिल, रिंग, मिडिल और इंडेक्स, जिसमें इसमें थंब का यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेस देने के लिए करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज का जो क्लास होने वाला है मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर कैसे फिंगर ले जाते हैं, कौन सा लेटर मौजूद होता है और प्लस कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं वो दोनों सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग और मंगल इन स्क्रिप्ट पर जो फिंगर रखा जाता है वो सेम एक ही तरह रखा जाता है। हालांकि इसके पहले जो क्लासेस कराई गई हैं आप लोगों को उसमें कृति देव के अनुसार भी मंगल इन स्क्रिप्ट पर बताया गया कि आपको जैसे सुविधा उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका कौन कौन सा रो होता है, कौन कौन सा लेटर होता है जिस पर हिंदी का लेटर मौजूद होगा। तो जैसे टाइपिंग करने के लिए आपको पता है कि इंग्लिश टाइपिंग अगर करते होंगे तो इंग्लिश टाइपिंग में ए से लेकर जेड तक का 26 लेटर होता है, और उस 26 लेटर को अरेंज करने के लिए तीन रो का यूज किया गया है। एक आपका टॉप रो, होम रो और बॉटम रो, जिसमें पता है कि फिंगर आपका होम रो पे रखना होता है। और होम रो पे कौन कौन सा लेटर होता है वो समझिए। होम रो में अगर आप बात करेंगे तो आपको लेटर मिलेगा, यानी हम यहां से पहले लिख देते हैं होम रो। होम रो में आपका कौन कौन सा लेटर मिलेगा तो होता है आपका ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सेमी कॉलोन और एक सिंगल कोटेशन या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश कीबोर्ड देखेंगे तो इंग्लिश कीबोर्ड में यही सब सारा लेटर आपको दिखाई देता है। लेकिन आपको पता है कि जब हिंदी टाइपिंग करने के लिए जब आप फेस बदलते हैं, मतलब या तो कृति देव चूज करते हैं या इन स्क्रिप्ट चूज करते हैं, तब आपका हिंदी का लेटर मिलता है। लेकिन आपको टाइपिंग इन्हीं इंग्लिश वाले बटन को करना है, इंग्लिश वाले लेटर को करना है, जिससे कि हिंदी का लेटर आएगा। तो देखिए जैसे क्या होता है कि होम रो का अगर बात करते हैं तो होम रो का मतलब होता है आपका आठों फिंगर होम रो पे मौजूद होना चाहिए, और इसी होम रो से आप जरूरत पर फिंगर टॉप रो पर लेके जाएंगे और जरूरत पर बॉटम रो पर लेकर आएंगे। हालांकि आज का जो क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ आपका होम रो के बारे में बताया जाएगा। तो जिसमें कि ये जो लेटर आपका दिखाई दे रहा है ये सारा इंग्लिश का लेटर दिखाई दे रहा है, और इंग्लिश टाइपिंग भी ऐसे ही करते हैं जैसे आज बताया जाएगा। हालांकि पहले इंग्लिश बताएंगे और इसके बाद इन स्क्रिप्ट पर हम लोग टाइपिंग करेंगे। तो देखिए इंग्लिश टाइपिंग में ए, एस, डी, एफ ये सब सारा जो लेटर होता है ये कौन सा रो कहलाता है, होम रो। और आपको बता दें कि टाइपिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर हम कौन से लेटर पर रखेंगे, तो जिसमें आपका जो लिटिल फिंगर है ये आपका ए पर रखना है, दूसरा जो रिंग फिंगर है वो आपका एस पर रखना है, मिडिल फिंगर आपको डी पर और इंडेक्स फिंगर आपको एफ पर। यानी लेफ्ट हैंड का ये जो चार फिंगर है ये चार फिंगर आप किस पर रखें, ए, एस, डी, एफ। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको टाइपिंग करना है तो इन चार फिंगर आपको ए, एस, डी, एफ पर रखना है, मतलब पोजीशन हमेशा यही रहना चाहिए। और राइट साइड में आपका जो चार फिंगर है वो आपका पहला जो लिटिल फिंगर है ये आप सेमी कॉलन पर रखेंगे, दूसरा जो रिंग फिंगर है ये एल पर, ये मिडिल फिंगर आपका के पर और इंडेक्स फिंगर आपका जे पर। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश टाइपिंग स्पेशली देखना है तो चैनल पर इंग्लिश टाइपिंग का भी वीडियो आप वहां से जाकर देख लीजिए। हालांकि हम थोड़ा सा आज इंग्लिश टाइपिंग इसलिए बताए हैं क्योंकि आपका जो इन स्क्रिप्ट पर टाइपिंग करेंगे वो इंग्लिश टाइपिंग के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर किस पर हो गया, ए, एस, डी, एफ पर हो गया, और राइट साइड का जो चार फिंगर है वो पहला फिंगर आपका सेमी कॉलन, दूसरा फिंगर एल,
तीसरा फिंगर के और चौथा फिंगर आपका जे, यानी राइट साइड से क्या हो गया सेमी कॉलोन एल के जे, और इधर से क्या हो गया आपका ए एस डी एफ। ये आठों फिंगर आपका इन आठ लेटर पर रहता है हमेशा, और ये होम रो है, हमेशा आपको फिंगर इसी रो पे रखना है। लेकिन आप देखिए आठ फिंगर हो गए, इसके अलावा अब आपके पास कौन सा फिंगर है थंब, जिसका यूज आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस देने के लिए करेंगे। मतलब थंब का यूज किसी भी रो पर, ना ही टॉप रो पर, ना ही होम रो पर, ना ही बॉटम रो पर, इन तीन रो पे किसी पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पेस प्रेस करने के लिए। तो जैसे ही आप आठों फिंगर इस पर रखेंगे तो आठ लेटर तो आपका टाइप कर ही रहा है, राइट साइड का ये चार लेटर और लेफ्ट साइड का ये चार लेटर, लेकिन लेटर की संख्या है ज्यादा। देखिए लेटर की संख्या क्या, आपका जी बच रहा है, एच बच रहा है, और यहां से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बच रहा है। हालांकि जरूरत इसका भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन जो भी जरूरत पड़ेगा टाइपिंग तो आपको फिंगर से ही करना है। तो जिसमें ये जो Z है ना, आपको क्या करना है कि जो ये इंडेक्स फिंगर जो F पर रखा रहता है, यही फिंगर आपका Z टाइप करेगा और फिर वापस आ जाएगा। मतलब ये ऐसा बॉर्डर बना दिए, इधर वाला सारा लेफ्ट हैंड से, इधर वाला सारा राइट हैंड से। तो जैसे आपका फिंगर A, S, D, F पर रहता है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश टाइपिंग में भी और इन स्क्रिप्ट पर भी, यानी फिंगर ए एस डी एफ पर रहेगा, जरूरत पर जी टाइप करेगा और फिर इसके बाद एफ पर वापस आ जाएगा। उसी तरह इधर भी, इधर में आपका क्या है कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बचा, जरूरत पड़ेगा तो ये लिटिल फिंगर ही आप इस पर लेके चले जाएंगे, सेमी कॉलन पर रहता ही है, बगल में आपका सिंगल कोटेशन प्रेस कर देगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर देगा, और इसके बाद यहां पर जे पर आपका ये फिंगर रहता है, जे पर ये वाला फिंगर रहता है, जरूरत पर यही फिंगर आपका एस भी टाइप करेगा। मतलब अगर ये इंडेक्स फिंगर दोनों बात करते हैं तो आपका ये रहता आपका जे पर है और एच टाइप करके फिर वापस चला जाता है, ये फिंगर एफ पर रहता है और जरूरत पर जी टाइप करके फिर वापस आ जाता है। और इस कारण से आप ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड में जे और एफ में ना छोटा सा बटन में ना डॉट डॉट होगा, मतलब डैश की तरह, मतलब कि अगर आप बिना देखे भी अगर आप फिंगर का रखते हैं कीबोर्ड पर तो आपको टच करके मतलब छू कर पता चल जाएगा कि आपका फिंगर सही जगह पर रखा हुआ है। तो मतलब कि जब अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो सेम इस तरह से आपका फिंगर का पोजिशन जाएगा और हर लेटर को प्रेस करेगा। लेकिन अगर आप मंगल इन स्क्रिप्ट पर टाइपिंग करते हैं, मंगल हेडिंग दे देना है थोड़ा सा, मंगल इन स्क्रिप्ट पर, ठीक है। और ये इन स्क्रिप्ट के बारे में क्या बताएं कि आपके सभी सिस्टम पर आपको मिलेगा, यानी जितना भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, उस पर आपको पहले से मिलेगा। बस आपको इनेबल करना होता है, इनेबल करने के लिए इन्हीं लैंग्वेज को ऐड करने के लिए कैसे करते हैं चैनल पर वीडियो है, वहां पर जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर इनेबल हो जाता है तो बस इस पर टाइपिंग करने के दौरान एक्टिवेट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ आपको अल्ट बटन प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा कि मंगल इन स्क्रिप्ट को इनेबल करना मतलब कि एक्टिवेट करने के लिए, हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है। मतलब जैसे ही एक्टिवेट कर देंगे तो आपका इंग्लिश टाइप होगा, डिफॉल्ट तो इंग्लिश ही टाइप होता है, लेकिन जैसे हिंदी अगर आपको लिखना है इन स्क्रिप्ट पर तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट बटन के साथ अल्ट प्रेस कीजिएगा। तो देखिएगा जहां पर टास्क बार होता है ना, उस टास्क बार पर आपका हिंदी शो करेगा, और अगर नहीं पता चले तो आप टाइप करके देखिएगा तो हिंदी का लेटर मिलेगा, हिंदी टाइप होगा, तो आप समझ जाएंगे कि इन स्क्रिप्ट आपका इनेबल हो गया, ठीक है। तो अब बात रहा कि ये वाला जो होम रो है, ये वाला जो होम रो है, इस होम रो में आपको क्या करना है, आपका इंग्लिश वाला लेटर मिलेगा, लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो मंगल इन स्क्रिप्ट इनेबल होगा। मतलब अब जो आप टाइप करेंगे वो हिंदी का लेटर मिलेगा। और आपको एक बात बता दें कि इन स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कृति देव फॉन्ट से इजी है, आसान है। कैसे आसान है, तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे स्वर और व्यंजन समझ रहे होंगे, जैसे स्वर और उसका मात्रा, जैसे अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ये सब क्या होता है ना, उसका मात्रा है, और एक व्यंजन जैसे क ख ग घ च ष ज ज ट ठ ड ऐसा हम लोग पढ़े थे।
तो इन स्क्रिप्ट पर क्या होता है ना कि लेफ्ट हैंड से जो हम टाइप करते हैं तो ज्यादातर स्वर टाइप होता है, ज्यादातर स्वर या तो उसका मात्रा या तो उसका लेटर, और राइट हैंड से ज्यादातर उसका व्यंजन टाइप होता है। मतलब लेफ्ट हैंड से स्वर टाइप होगा, राइट हैंड से व्यंजन टाइप होगा। इस कारण से कहीं ना कहीं कृति देव से ये फॉन्ट इजी है, आसान है, ठीक है। तो देखिए अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंदी का लेटर मिलेगा आपको। मान लीजिए जैसे अब ए एस डी एफ जी है, ठीक है, ए एस डी एफ जी है, तो अब आपको क्या करना है कि शिफ्ट के साथ अल्ट प्रेस कीजिएगा तो हिंदी का लेटर मिलेगा। तो ए जब प्रेस कीजिएगा ना तो आपको इसमें मिलेगा ओकार की मात्रा, इसमें क्या मिलेगा आपको, ओकार की मात्रा, ठीक है, मात्रा है, मतलब समझ रहे ना। जैसे मोहन लिखेंगे तो म में म लिखने के बाद ओकार की मात्रा देते ना, पहले आकार की मात्रा, एकार की मात्रा, तो इसमें आपका बना बनाया है ओकार की मात्रा, ठीक है। एस जब प्रेस करेंगे तो इसमें मिलेगा एकार की मात्रा, ठीक है, एस में क्या मिलेगा आपको, एकार की मात्रा। डी प्रेस कीजिएगा तो इसमें आपको मिलेगा हलंत, और ये हलंत का यूज पता है क्या करने के लिए होता है, किसी भी लेटर को आधा करने के लिए, और यही तो है मंगल इन स्क्रिप्ट पर। कुर्ती देव में बहुत सारा लेटर ना आधा होता है, लेकिन इन स्क्रिप्ट पर क्या करना होता है कि किसी लेटर को आधा करना होता है, और लेटर को आधा करने के लिए आप उसके लिए डी प्रेस करेंगे, मतलब हलंत, यानी किसी भी लेटर को आधा करना तो पहले वो लेटर टाइप कीजिए और उसके बाद हलंत का यूज कीजिए। इसके बाद इसमें एफ जब प्रेस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा हर्षई की मात्रा, जो छोटी ई की मात्रा भी बोला जाता है, और जी प्रेस करेंगे तो हर्षव की मात्रा, ठीक है। तो देखिए यहां से ये सब अगर आप बात करते तो ये सब सारा आपका स्वर होगा, हालांकि उसका मात्रा है। तो जैसे क्या क्या मिल रहा है, ओकार की मात्रा, एकार की मात्रा, हलंत, हर्षई की मात्रा और हर्षव की मात्रा, ठीक है, ये सारा मात्रा है। लेकिन आपको पता होगा कि शिफ्ट का भी यूज किया जाता है। इंग्लिश टाइपिंग में बता दें कि अगर किसी लेटर को कैपिटल और स्मॉल करना होता है तो आप कैप्स लॉक का यूज करते हैं, लेकिन टाइपिंग के दौरान आप शिफ्ट का भी यूज करेंगे। शिफ्ट क्या करता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कैपिटल में टाइप हो रहा है, शिफ्ट के साथ जब उस लेटर को टाइप करते हैं तो स्मॉल में टाइप होगा, और स्मॉल में अगर टाइप हो रहा है तो शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे तो कैपिटल में टाइप होगा, लेकिन हिंदी में बदल जाता है। कुर्ती देव में क्या होता है, कुछ आपका शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे तो लेटर आधा आता है, लेकिन इसमें इजी है। कैसे इजी है वो देखिए, आपको बता दें कि ए जब टाइप किए तो ओकार की मात्रा, एस में एकार की मात्रा, डी में हलंत, एफ में हर्षई की मात्रा और जी में हर्षव की मात्रा। लेकिन जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा, और शिफ्ट आपका ये लिटिल फिंगर से होगा, यानी दोनों शिफ्ट इन दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है, तो जैसे शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो इसमें उसका लेटर मिलेगा, और लेटर कैसा होता है, ओकार, एकदम आसान है, देखिए ओकार। इसका लेटर कैसा होता है, ऐसा एकार। इसमें तो लेटर होता नहीं है, है ना, कि इसमें आपको मिलेगा अ, इसमें क्या मिलेगा आपको, अ, और इसके बाद इसका लेटर होता है, इसमें है आपका हर्षई, ऐसा होता है, और इसका लेटर कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब कि सिर्फ आपको ऊपर वाला याद करना है, और शिफ्ट के साथ समझिए कि उसी का आपको लेटर मिलेगा। तो क्या क्या था, ओकार, एकार, अ, हर्षई, हर्षव, ये तो था आपका लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से सारा का सारा आपका स्वर है और उसका लेटर है। लेकिन राइट साइड से आपको क्या मिलने वाला है, उसका व्यंजन। राइट साइड से क्या मिलेगा आपको, व्यंजन मिलेगा। तो व्यंजन में क्या क्या है, तो जैसे आप अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा टॉ, ठीक है, इसमें मिलेगा टॉ, ठीक है, और सेमी कॉलन जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा आपको चौ। टच होता ना, टच वो है आपका, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टॉ, सेमी कॉलन में च। इसके बाद एल में मिलेगा आपको त, के में मिलता है आपका क, जे में मिलेगा आपका र, और एच में मिलेगा प। यानी ये सारा लेटर देखिए आप, जितना भी सारा लेटर हम टाइप लिखे ना, ये सारा लेटर आपका व्यंजन है। और कैसे, तो यहां से देखिए ट, च, त, क, र और प, क्या क्या मिला आपको, ट, च, त, क, र और प। और जैसे ही शिफ्ट के साथ टाइप कीजिएगा तब आपको पता है ना कि इधर वाला अगर शिफ्ट के साथ यूज करना है तो आपको लेफ्ट वाला शिफ्ट प्रेस करना है,
मतलब राइट साइड का कोई लेटर टाइप करना है तो लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला कोई लेटर अगर टाइप करना है तो राइट साइड वाला शिफ्ट आपको प्रेस करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ टाइप कीजिएगा तो स्वर में उसका लेटर होता था लेकिन व्यंजन में ना उसका अगला क्रम आएगा। अगर आप व्यंजन टाइप करते हैं तो उसका अगला क्रम क्या होगा, तो ट के बाद क्या होता है ठ, तो इसमें शिफ्ट के साथ आपको मिलेगा ठ। च के बाद क्या होता है छ होता है, छ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद त के बाद क्या होता है थ होता है, थ मिलेगा। क के बाद ख, एकदम इजी है, मतलब अगर इन स्क्रिप्ट पर देखा जाए तो अगर ऊपर वाला आपको याद है तो नीचे शिफ्ट के साथ आपको आसान, बस उसका अगला क्रम। ट में क्या है ठ, च के बाद छ, त में है थ, क के बाद ख, र में ना र है ये वाला थोड़ा सी जो बिंदु है ना बहुत सारे में यूज होता है, हालांकि हम लोग तो ज्यादातर हिंदी में ऐसा नहीं देखते हैं लेकिन बहुत सारे में आप बुक पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको ये वाला र मिलेगा। और प के बाद क्या होता है आपका फ होता है, ठीक है, प के बाद क्या होता है फ होता है। तो आपका ये ऐसा बीच का ये बॉर्डर, बीच का बॉर्डर बनाने का मतलब ये हुआ कि इधर वाला सारा लेफ्ट हैंड से टाइप होगा, इधर वाला सारा राइट हैंड से। आप समझ रहे होंगे ये दोनों आपका लिटिल फिंगर से होगा, ठीक है, ये वाला आपका रिंग फिंगर से, ये वाला मिडिल फिंगर से, ये वाला और ये वाला इंडेक्स फिंगर से, मतलब इधर वाला सारा राइट हैंड से, इधर वाला सारा लेफ्ट हैंड से। तो कहने का मतलब क्या है ना कि इस तरह से आप फिंगर को अरेंज करेंगे इंग्लिश वाले कीबोर्ड पर ही, हालांकि कीबोर्ड तो इंग्लिश में ही आता है, बस अगर आपको हिंदी या किसी भी भाषा में लिखना होता है, टाइप करना होता है तो भाषा बदलना होता है। और इन स्क्रिप्ट पर अगर आप टाइप करेंगे तो भाषा कैसे बदलेगा, पहले ध्यान रखिएगा लैंग्वेजेस ऐड करना होता है, ठीक है, और लैंग्वेजेस ऐड करने के बाद इसको इनेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट के साथ आप अल्ट बटन प्रेस कीजिए तो अब आपका हिंदी का लेटर टाइप होगा और लेफ्ट हैंड से स्वर टाइप होगा, राइट हैंड से व्यंजन टाइप होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे टॉप रो के बारे में, फिर इसके बाद बॉटम रो के बारे में, फिर एक न्यूमरिक रो है उसमें भी हिंदी का कुछ कुछ लेटर आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि कृति देव से ये आसान है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी जानना चाहिए क्योंकि मार्केट में इसका भी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास, ये वीडियो आपको हिंदी टाइपिंग का पसंद आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास।